200-300 तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाए ऐसे कमाल के प्रोडक्ट, पुराने जमाने की ओखली से कूटने से लेकर आधुनिक तकनीक की मशीनों तक, जिसमें कटिंग, पेस्टिंग, पैकिंग सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, कैसे, चलिए देखते हैं। नमस्कार सर जी, थोड़ा बताइए सर अपने बारे में। मेरा नाम अशोक गुप्ता है, 37 सालों से आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूं। हमारे यहां 200 जड़ी बूटियों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहां पर कचनार, गुड़मार है, नीम गिलोय है, मीठा नीम है, ये सहजना छाल है, ये सब जड़ी बूटियां जो आती है सब बाहर से आती है, तो उनको सबको साफ करना, बीनना, छानना, ये सब पहले करने के बाद इनको फिर हम जौकुट करते हैं। हमारे अमृतम बाटका से सारी जड़ी बूटियां कलेक्ट करके सारी इकट्ठी करके जौकुट होंगी, इस मशीन में ये डाली जाएंगी। छोटे छोटे जौ के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर टुकड़ों में हो जाएंगी। इस मशीन में बिल्कुल महीन करना होता है, कोई चीज बिल्कुल मैदा पाउडर मैदा, ये छानने के लिए, कोई भी चीज पीसने के बाद तो उसको छाना जाता है इसमें। उसके बाद ये पूरा उठा के पूरा प्रोसेस भगोने में डाला जाएगा। इसमें लगभग अब सब मिलाकर टोटल लगभग 20-22 तरह की जड़ी बूटियां हो गई हैं इसमें। अब इसके अंदर ये पानी डाला जाएगा और उसको करीब 30-35 घंटे इसको गलाने छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? हाँ जी, 30 घंटे बाद देखेंगे तो एक काढ़ा टाइप का बन जाएगा। अच्छा सर, हमारे पास ये जो गुलकंद, मुरब्बा, इन सब चीजों का एक पेस्ट आ गया, एक आपने जड़ी बूटियां कुछ 35 घंटे तक लगभग वो डुबो के गला के रखी हैं, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? 3-4 प्रोसेस एक साथ चलते हैं। 2 किलो जड़ी बूटी में 32 लीटर पानी लिया, तो जब 4 किलो या 8 किलो पानी जब रह जाएगा तो उसको बोलते हैं काढ़ा, इसका पेस्ट बनाया जाता है। इस कढ़ाव में डाल लिया? इस कढ़ाव में डाल दिया। तो ये अलग अलग आप देख रहे हैं, तीनों कढ़ाई में अलग अलग प्रोसेस चल रहा, प्रोडक्ट एक ही है। कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं इसमें, बहुत कम मंदी आंच है। देखिए आप, इसमें उबाल भी नहीं आ रहा है। इसमें जायफल है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्ची है, मुलैठी है, और ये रस बसते हैं। लगभग 1 दिन सीखते हैं, क्योंकि मसालों में थोड़ा सा कैसा है बोलते हैं कि थोड़ा इसमें कच्चापन रहता है, पानी रहता है, तो किसी भी तरीके की फफूंद ना पड़ जाए या इसमें कोई कमी ना रह जाए, तो मसाले भी इसमें अच्छी तरह सीख जाते हैं। तो ये मसाले भी हम डालते हैं। हमारे पास एक मशीन है छानने वाली, कोई भी कंकड़ या किसी कोई भी चीज रह गई है, रेसा भी रह गया है, तो रेसा वो बाहर कर देती है। 20 दिन आपने सुखा भी लिया, उसके बाद फिर पैकिंग या और भी कुछ प्रोसेस होता है? नहीं, सीधे पैकिंग, उसके बाद सीधे पैकिंग के लिए जाता है। पैकिंग यूनिट देख लेते हैं। हाँ, प्रोडक्ट तो तैयार होने के बाद यहाँ आता है, ये हमारी फिलिंग मशीन है। प्रोडक्ट इसके अंदर भरा जाता है, जो भी वेट होता है वेट सेट कर दिया जाता है, ये सीसी इसमें लगा देते हैं और ये अपने आप उसका वजन सेट है, इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद ये सील होता है, सील होने के बाद जो है कैप लगता है। ये भी ऑटोमेटिक मशीन है? ये भी ऑटोमेटिक। इसके अंदर आप इसको सेट करेंगे और ये घूमती है और ये कैप बिल्कुल सेट हो जाती है। बिल्कुल सेट हो जाता है। इसको ओके, अरे सेट हो गया जी। हां, उसके बाद लेबलिंग की जाती है बोतल पे। ये अमृतम आपका ब्रांड है? जी अमृतम हमारा ब्रांड है। बोतल पर सिंक पैक हो रहा है, इसको सिंक पैक बोलते हैं, ताकि कोई बोतल लीकेज ना हो। ये अब रेडी है? जी हां। और लगभग 130 प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे लॉन्च किए हुए हैं, सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं। 130। किस तरीके से आपसे संपर्क किया जा सकता है, यदि आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कैसे कॉन्टेक्ट किया? हमारी वेबसाइट है amrutam.co.in के नाम से, ये हमारी इसको आप अच्छा स्कैन कोड है तो यहां डिटेल्स आ जाएंगी। दूसरी तरफ वेबसाइट भी लिखी हुई है सर? हां, वेबसाइट भी लिखी हुई है। ये लोगो है जी, ये आपकी वेबसाइट है amrutam.co.in। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।